डियर के बहुत सारे स्पीशीज होते हैं। टोमेटो फ्रॉग को देखा है, ये कुछ ऐसा दिखता है। और लंदन के सिनेमा, इलेक्ट्रिक सिनेमा को देखा है, कभी इतनी बड़ी जो तितली होती है, जो बटरफ्लाईज होती है, हाई पैरासाइट कहते हैं। क्या आप लोग फ्रूट सेलेट्री के बारे में जानते हैं? क्या आप दुनिया की सबसे बड़ी बटरफ्लाई के बारे में जानते हैं? क्या आप लोग टोमेटो फ्रॉग के बारे में जानते हैं? अगर आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स देखने हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। डियर के बहुत सारे स्पीशीज होते हैं, उनमें से एक स्पीशीज है ये, और इसका नाम है आयरिश एल्क। ये पहले के जमाने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हुआ करते थे। मैं थे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब ये नहीं रहे हैं, ये लुप्त हो चुके हैं। फैक्ट नंबर टू, ये आपने टोमेटो का पेड़ हमेशा देखा ही होगा, पर आपने कभी टोमेटो फ्रॉग को देखा है? ये कुछ ऐसा दिखता है और इसको टोमेटो फ्रॉग कहा जाता है। और ये अपने मुंह से एक ऐसा जहर निकालता है जिससे कि इसके सामने वाला जो भी व्यक्ति जिस पर वो जहर पड़ता है उसका मुंह, उसके लिप्स बंद हो जाते हैं, वो उस पर हमला नहीं कर पाता। ये कुछ ऐसा दिखता है एकदम टमाटर जैसा, इसलिए इसको टोमेटो फ्रॉग कहा जाता है। फैक्ट नंबर थ्री, आपने कभी कभी लंदन के सिनेमा, इलेक्ट्रिक सिनेमा को देखा है? इसमें जो है दर्शकों के लिए लेटने के लिए और सोने के लिए बेड है, ताकि वो आराम से लेटकर इस बेड पर मूवी को देख सके। वो कुछ इस तरह से दिखता है। फैक्ट नंबर फोर, ये आपने कभी इतनी बड़ी जो तितली होती है, जो बटरफ्लाईज होती हैं, उसका सबसे बड़ा स्पीशीज, दुनिया का बड़ा स्पीशीज है ये, और इसका नाम है क्वीन अलेक्जेंड्रा बर्ड विंग, जो कि काफी रेयर मिलते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है और ये 11 इंचेस लंबा होता है। फैक्ट नंबर फाइव, आपने कभी ऐसा पेड़ देखा है जिसके ऊपर सात तरह के अलग अलग फ्रूट्स होते हैं? इसे फ्रूट सैलेड ट्री कहा जाता है, क्योंकि इसके फ्रूट्स को सैलेड बनाने में काम किया जाता है। फैक्ट नंबर सिक्स, आपको पता ही होगा, कभी ना कभी पढ़ा ही होगा कि पैरासाइट क्या होते हैं। जब भी पैरासाइट किसी भी मनुष्य के ऊपर आते हैं, जिसे हम पैरासाइट बोलते हैं, वो असल में मनुष्य के ऊपर इसीलिए आते हैं क्योंकि उन पर उनका जो पैरासाइट होता है वो आता है, और वो उनको, उनकी बॉडी को एज अ होस्ट यूज करता है, जिससे कि जब भी वो हमारी बॉडी पर आते हैं, और उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं, पर जो पैरासाइट की बॉडी पर आते हैं उन्हें हम हाई पैरासाइट कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे जरूर लाइक करके जाना भूलना नहीं, क्योंकि ये ऑफकोर्स फ्री है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि ये भी ऑफकोर्स फ्री है। और कमेंट करके जरूर जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।